हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नए सिलेबस को बताऊंगी, जो है जिसका विषय है जूलॉजी। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो चलिए हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का जो सिलेबस है उसको जान लेते हैं कि कितने पेपर होते हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है और प्रैक्टिकल के सिलेबस क्या हैं और थ्योरी में जितने पेपर्स हैं उसमें आता क्या है। ओके, तो लेस देन स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अवध यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर में कुल 3 पेपर होते हैं। ओके, तो जो पेपर फर्स्ट है उसका नाम है लोअर नॉन कॉर्डेटा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट का नाम है लोअर नॉन कॉर्डेटा, जिसमें आते हैं प्रोटोजोआ और हेलमेंथेस। तो ये जो फर्स्ट पेपर है लोअर नॉन कॉर्डेटा, ये हमारा 50 नंबर का आता है। अब हुआ फर्स्ट पेपर, अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर जो है वो है हायर नॉन कॉर्डेटा, जिसमें आता है एनिलिडा और इकाइनोडर्मेटा, ये भी आता है 50 नंबर का। एक पेपर होता है 50 नंबर का। और जो थर्ड एंड लास्ट पेपर हमारा होता है वो होता है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक, ये भी आता है 50 नंबर का। तो कुल हमारे 3 पेपर होते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, लोअर नॉन कॉर्डेटा, हायर नॉन कॉर्डेटा एंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और प्रैक्टिकल की हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकल सिलेबस बेस्ड ऑन थ्योरी पेपर। जो प्रैक्टिकल का सिलेबस होता है वो थ्योरी पेपर पे बेस्ड होता है और ये भी आता है 50 नंबर का। तो आशा है कि आपको पेपर्स के नाम तो समझ में आ ही गए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसको जान लेते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल में क्या आता है। ओके, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में कुल 7 पार्ट होते हैं। ओके, तो फर्स्ट है डिसेक्शन मेजर। जो मेजर डिसेक्शन होता है वो 12 मार्क्स का आता है और जो डिसेक्शन माइनर होता है वो 5 मार्क्स का आता है। 1 टेम्परेरी माउंट आता है 3 मार्क्स और 1 परमानेंट माउंट आता है 5 मार्क्स का। और साइटोलॉजी एंड जेनेटिक प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड स्लाइड्स 5 मार्क्स की, आइडेंटिफाई एंड कमेंट्स अपॉन स्पॉट आता है 10 नंबर का और वाइवा हमारा होता है 5 मार्क्स का और प्रैक्टिकल क्लास रिकॉर्ड होता है 5 मार्क्स। तो कुल टोटल 15 मार्क्स होते हैं हमारे प्रैक्टिकल में। तो आप जान ही गए हैं कि जितने पेपर होते हैं सब 50-50 नंबर के आते हैं और जो प्रैक्टिकल होता है वो भी हमारा 50 नंबर का होता है। तो अब हमने जान लिया कि प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है। अब हम तीनों पेपर में एक एक पेपर करके सबका सिलेबस जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है लोअर नॉन कॉर्डेटा, इसको जानेंगे कि ये जो पेपर है इसमें कितनी यूनिट हैं और इस यूनिट के अंतर्गत कौन से फाइलम हैं और कौन से एनिमल्स इसमें हम लोग को स्टडी करना है और एनिमल्स में भी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में क्या स्टडी करना है। ओके, तो फर्स्ट पेपर है लोअर नॉन कॉर्डेटा, जिसमें आता है प्रोटोजोआ टू हेलमेंथीस के अंतर्गत सारे एनिमल्स इसमें आते हैं। तो द हैबिट्स, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट इन आउटलाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टाइप्स गिवन इन ईच। तो इसमें जो आता है वो इसमें एनिमल्स की हैबिट्स पूछी जाती हैं, मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशंस को यहाँ डिटेल में पूछा जाता है। तो यूनिट फर्स्ट में जो फर्स्ट एनिमल है वो है प्रोटोजोआ, फाइलम है वो है प्रोटोजोआ, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फाइलम प्रोटोजोआ में हम लोग को युगलीना, मोनोसाइटिस एंड पैरामीशियम पढ़ना है। तो इसकी प्रोटोजोआ फाइलम में हम लोग को तीन एनिमल्स पढ़ना है। एक है युगलीना, मोनोसाइटिस एंड पैरामीशियम। तो इसमें हम लोग को युगलीना, मोनोसाइट एंड पैरामीशियम में हैबिट एंड हैबिटेट्स पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को पढ़ना है। ओके, अब ये तो हुआ यूनिट फर्स्ट। ओके,
अब हम लोग आते हैं यूनिट सेकंड की ओर। तो यूनिट सेकंड में जो है वो पोरीफेरा हम लोगों को पढ़ना है। पोरीफेरा में क्या पढ़ना है? साइकॉन। ओके, साइकॉन में भी हमको सेम चीज पढ़ना है, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, और मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हम लोग को ऑबिलिया एंड अरेलिया पढ़ना है, और सेटनोफोरा में हम लोग को पढ़ना है साइलेंट्स फीचर। अब हम लोग यूनिट थ्री जान लिए हैं, हम लोग चौथी यूनिट एंड लास्ट यूनिट को जान लेंगे। तो प्लेटी हेलमेंथीज है चौथी यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम लोग का, प्लेटी हेलमेंथीज। इसमें हमको पढ़ना है फैशियोला, जिसको कहते हैं लीवर फ्रंक, एंड टेनिया, टेरियम को बोलते हैं टॉप वर्म, और दूसरा नेक्स्ट फाइलम है नेमी हेलमेंथीज, इसमें एनसाइटोसोमा जिसको बोलते हैं हुक वर्म हम लोग को पढ़ना है। तो ये हुआ पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में चार यूनिट है, यही चारों यूनिट हम लोग को पढ़ना है सबका हम लोगों को, हैबिट एंड हैबिटेट्स, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को पढ़ना है। अब ये हुआ पेपर फर्स्ट, यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि पेपर सेकेंड में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो जैसे पेपर फर्स्ट में हम लोगों ने जाना था कि इसमें चार यूनिट होती है, उसी प्रकार पेपर सेकेंड में भी चार यूनिट होती है, द हैबिटेट्स, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इंक्लूडेड्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टाइप गिवन इन ईच। एंड अब हम लोग जानेंगे यूनिट फर्स्ट में क्या है। तो यूनिट फर्स्ट में है फाइलम एनिलिडा, जिसमें हमको पढ़ना है नैरिश, एंड सेकेंड यूनिट में है आर्थोपोडा, जिसमें पढ़ना है पैलामोन, जिसको बोलते हैं प्रॉन, और यूनिट थर्ड में मोलस्का, जिसको बोलते हैं पाइला, ठीक है, और यूनिट लास्ट है इकोइनोडर्मेटा, इसमें हम लोग को पढ़ना है पेंटाक्रॉस, इसमें पेंटाक्रॉस में हम लोग को बस इसका डेवलपमेंट जानना है। तो इन सभी फाइलम में जितने एनिमल्स हैं इस ग्रुप में, उसमें हम लोगों को हैबिट एंड हैबिटेट्स, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन को नंबर वाइज एक एक करके स्टडी करना है, पहली यूनिट फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर लास्ट फोर्थ। ओके, तो अब हम लोग फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट को जान चुके हैं, अब हम लोग आ गए हैं यूनिट थर्ड की ओर, जो हम लोग का लास्ट पेपर है यूनिट थर्ड। ओके, तो यूनिट थर्ड में भी पेपर थर्ड में भी हम लोग की चार यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। अब हम लोग जानेंगे कि सेल बायोलॉजी जो है उसका फर्स्ट यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग को सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी का सेकंड यूनिट, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लास सेल ऑर्गेनल्स विथ स्पेशल एम्फियोसिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड फोर्थ यूनिट में है जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स में हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, क्लास और सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑन क्रोमोसोमल बेस्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस एंड बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डायनोमीज, मल्टीपल एलील्स, ब्लड ग्रुप ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर पढ़ना है हम लोग को लिंकेज एंड क्रॉसओवर इंटरेक्शन ऑफ जीन, द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिटेट्स। अब लास्ट यूनिट में हम लोग को पढ़ना है जेनेटिक्स की कि सेक्स डिटर्मिनेशन, पेरेंटल डिलेक्शन एंड जेनेटिक डिजीज, सेक्स लिंकेज करेक्टर, जेनेटिक डिजीज एंड एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोमल एसिबिलिटीज एंड यूजेनेटिक्स। ओके,
तो हमारे बीएससी के पार्ट वन में अवध यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो टोटल पेपर होते हैं वो होते हैं 3, ओके, जिसका तीनों पेपर का नाम है, फर्स्ट पेपर का नाम है लोअर नॉन कॉर्डेटा, सेकंड का हायर नॉन कॉर्डेटा, थर्ड पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, प्रैक्टिकल सिलेबस बेस्ड ऑन थ्योरी। तो ये हम लोग का कुल 200 नंबर होता है, ओके। 200 नंबर में हम लोग को हर एक पेपर में पास होना जरूरी होता है। तो हम लोग स्टडी करें प्रैक्टिकल के सिलेबस को जाने और पेपर फर्स्ट के सिलेबस को जाने हैं, पेपर सेकंड के सिलेबस को जाने हैं और पेपर थर्ड के सिलेबस को जाने हैं। अगर आप लोग को इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। तो कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।